नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सहारनपुर और उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 37 लोगों की जान जाने के बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन के मुखिया डीजीपी के निर्देश पर जिले भर में बीती रात 8 व 9 फरवरी की रात्रि में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान में पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न 210 स्थानों पर दबिश देकर 178 को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 2212 लीटर कच्ची शराब, 75 अवैध शराब की भट्टी एवं 1400 लीटर लहन बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध 158 अभियुक्त पंजीकृत किया गया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया, इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक बेनीगंज सुभाष चंद सरोज, उप निरीक्षक संजय सिंह व उप निरीक्षक टरियावा अखिलेश कुमार व उनकी पुलिस के द्वारा 25,000 के इनामी अपराधी विपिन कुमार और पीपी पुत्र राजकुमार निवासी पिलवान खेड़ा थाना टरियावा को गिरफ्तार किया गया है। कल रात्रि 10 बजे से लेकर ये अभियान हमारे शराब के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके विरुद्ध चलाया गया था। ये अभियान आगामी 15 दिनों तक चलता रहेगा, परंतु कल रात के जो सडन जो दबिशें पड़ी उसमें हरदोई पुलिस ने उन दबिशों में तकरीबन 178 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2212 लीटर शराब बरामद हुई है। इसके अलावा तकरीबन 3,000 लीटर लहन वहाँ मौके पर नष्ट भी की गई है, 75 अवैध शराब की भट्टियाँ बरामद की गई हैं और 1400 लीटर लहन बरामद किया गया। कितनी दबिशें कितनी डाली गई? हर थाना क्षेत्र से 2-2 टीमें निकाली गई थी, कुल 210 स्थानों पर दबिशें डाली गई थी। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि पूरे जनपद में कुछ 30 गाँव ऐसे चिन्हित किए गए थे जहाँ पे काम ज़्यादा होता है। पूरे 30 गाँवों में और उनके आसपास के गाँव में भी कुल 210 जगहों पर दबिश डाल करके ये 177 विषय को गिरफ्तार किया गया। सर, ये इसी समय जैसे दबिश डाली गई, लगातार सहारनपुर से लेकर सभी जगह पुलिस पर ये आरोप लगता रहा है कि पुलिस की सरपरस्ती में बिकती, इसका अचानक जो है इतने मात्रा में पकड़े जाने का मतलब कहीं ना कहीं थाना अध्यक्षों की ढिलाई है, क्या है पूरा? देखिए, ये प्राथमिकताओं की बात है। अभी जो घटनाएँ हुई हैं दो दिनों में उसकी वजह से ये सडनली पुलिस की टॉप प्रायोरिटी बन गया है, जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट देखने को मिला है। अदरवाइज हर महीने हर थाना क्षेत्र में शराब पीने की कार्रवाई होती रहती है। संभव है कि इतनी सघन कार्रवाई करने के लिए एक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, एक क्लियर कट डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जो इस बार मिली है और इसमें कार्रवाई की है। सर, ये जो रेड हुई है, जो शराब बनाने वाले पकड़े गए हैं, इसमें जो साल्ट मिले हैं उसके बारे में पुलिस ने क्या अभी तक जांच की है? ये साल्ट के जहरीली शराब वाले हैं या यूरिया है या क्या है इसके साथ? सर, कई जगहों पर यूरिया भी बरामद किया गया है और कई जगहों पर जो उनकी तनखेही जिसको जाँच के लिए भेजा जाता है वो भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं, उनके साथ संयुक्त रूप से छापा डाला गया है और उनके प्रदूषण के बारे में, वो कितनी नॉक्सस हैं, कितने पॉइजनस हैं, उनके बारे में तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। परंतु प्रथम दृष्टिया जिस तरीके से एक खुली जगह में उनको बनाया जा रहा है और किस तरह की यूरिया डाले जा रहे हैं, कई मौके पर ये भी देखा गया है कि मिथाइल अल्कोहल का जो प्रोपोर्शनेट समिशन, डिसप्रोपोर्शनेट समिशन की वजह से भी शराब जहरीली हो जाती है, उसके बारे में भी जाँच कराई जा रही है। यहाँ ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मिथाइल अल्कोहल के सप्लाई सोर्सेज, उनकी बिक्री के सोर्सेज पर भी निगाह रखी जा रही है, उनकी जाँच कराई। थाना बेनीगंज के द्वारा आज एक 25,000 रुपये का इनामी अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम है विपिन कुमार और जो बेसिकली थाना टरियावा क्षेत्र का रहने वाला है। ये गैंगस्टर केस एक्ट के केस में पिछले 4-5 दिनों से बातचीत चल रहा था और इसके ऊपर पहले से भी कई मुकदमे हैं। जो अभी तक की जानकारी उसके हिसाब से इसके ऊपर बेनीगंज का ही एक लूट का मुकदमा है और उसके पहले एक दफ़ा 25 का मुकदमा है। इस बार भी ये 12 बोर के तमंचे के साथ पकड़ा गया है, दो कारतूस भी बरामद हुए हैं, जिससे पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।